बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पीएसटी और जीएसटी के लिए मैथमेटिक का जो सीरीज शुरू किया हुआ है उसी सिलसिले में पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियोस सिंध वाले दोस्तों के लिए और केपीके में एनटीएस के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफी मुफीद सीरीज है। दो पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखे दिस वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज बी इज 3 मोर देन सी। बी इज 3 मोर देन सी, तो इसको आपने इक्वेशन में ऐसे लिखना है कि b इज इक्वल टू c, ठीक है, लेकिन b इज मोर, c से 3 ज्यादा है तो c के साथ 3 लिख लो प्लस 3, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। अब देखिए इसमें ऑप्शन b, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन b है। b इज इक्वल टू 3 प्लस c या c प्लस 3, दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। पैरेलल का लफ्ज भी याद रखें, इक्वल एंड पैरेलल, तो इसमें इक्वल है पैरेलल नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डेट टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट। सर्कल को जो टच करता है, देखिए ये हमारे पास फरस का सर्कल है, तो इसके साथ हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगा यहां पर, ठीक है दोस्तों, दिस वन, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखे। 29 नंबर क्वेश्चन, अ चार्ट डेट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, सेंटर से जो सर्कल के गुजरता है डेट इज कॉल्ड डायमीटर। जस्ट लाइक देखे दिस वन, फर्ज कर ये सेंटर है और इसके सेंटर में से चार्ट गुजरता है, कहीं से भी आप गुजारे इसको, तो दिस इज कॉल्ड डायमीटर। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखे। 30 नंबर क्वेश्चन को, द लाइन सेगमेंट, सेगमेंट की बात है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियल सेगमेंट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन को, ऑल द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल दिन सर्कल विल बी आइडेंटिकल, ये तो इजी है मेरे ख्याल में। और क्वेश्चन नंबर 32 देखे, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360। याद रखें क्वाड्रिलेटर के तमाम एंगल्स को अगर हम जमा करें तो 360 आएगा, और रेक्टेंगल के तमाम एंगल्स को अगर हम जमा करें तो 180 आएगा, इसको भी जरा याद रखें, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। क्वेश्चन नंबर 33 देखे। 33 नंबर क्वेश्चन, अ रेगुलर ट्रायंगल विल हैव ऑल एंगल्स इक्वल टू 60। रेगुलर ट्रायंगल के तमाम एंगल 60 के बराबर होंगे और उनके तमाम साइड जो है वो आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखे, डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 35 नंबर क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 के बराबर होती है।
और क्वेश्चन नंबर 36 हीरोज फार्मूला, ये एक मैथमेटिशियन है, उसने जो फार्मूला पेश किया वो क्या करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, द कर्ल्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज कैलकुलेटेड बाय पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहां पर पाई जो है ना वो सही तरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये त्रिकोण जहां नजर आ रहा ये पाई है, पाई आर एल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और 38 नंबर क्वेश्चन देखें, इफ परपेंडिकुलर इज 3 cm एंड बेस इज 4 cm देन हाइपोटेन्यूज इज, तो इसका तो फार्मूला ऐसा है कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, सी के जाहिर करता है, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, तो इनके स्क्वेयर ले लो, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, 16 और 9 को जमा करे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब सी स्क्वेयर है तो स्क्वेयर में से निकाले तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 5, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और 39 नंबर क्वेश्चन जो है, 39, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², 4πr², दिस वन ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 देखे, 40 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 6 और सी इज इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ 2s, इसमें s क्या है, सीमी पेरीमीटर है, इसके s इज सीमी पेरीमीटर, तो हमारे पास s का वैल्यू, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, s ही हमारे पास, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी और प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2, ये 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, यह खत्म हो जाएगा, तो ए बी सी को आपस में जमा करें तो ये हो जाएगा 14 और 6 20, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 20 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच थ्योरम्स आर प्रूव्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग इज डिमॉन्स्ट्रेटिव सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 42 देखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, एक्स डिग्री, तो हमारे पास दो किस्म के एंगल, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसको अगर आपस में जमा करें तो उसका सम 90 के बराबर होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल उसको जमा करें तो उसका सम 80 के बराबर होगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो यहां वन ये दोनों को अगर हम जमा करें तो 180 आएगा और उसमें एक 46 है, 180 में से 46 माइनस करें तो 134 आंसर आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स इज प्रोपोजिशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 44 देखे, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट बी, इसको जुबानी कलम में रख के बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 45 देखे, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, ऑप्शन सी है। और 46 नंबर क्वेश्चन देखे, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, तो हमारे पास ऐसा है फार्मूला है कि साइन स्क्वेयर थीटा, ये एस है, ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, याद रखिये मैं बोलता हूं, लिखे आप
साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, तो वन को इस तरफ ले आओ तो साइन माइनस वन हो जाएगा, साइन स्क्वेयर माइनस वन हो जाएगा, और कॉस स्क्वेयर को दूसरी तरफ ले चलो तो माइनस आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन देखे, साइन 60, इसको भी जुबानी कलाम याद रखे, थ्री स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई टू, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन को देखे, 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, देखे द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑरेंज डेटा, डेटा को ऑरेंज करते हैं और उसका मिडिल वाली वैल्यू मालूम करें तो उसको मीडियन कहते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 4, 6, 3 और 1, 5 है तो इसमें x की वैल्यू मालूम करें, तो ये हमारे पास देखे जरा इस यहां से देखे, 4 इसको आपस में जमा करें, 4 + 6 + 3 + 1 = 5, और इसको डिवाइड करना है 4 पर, 4 पे क्योंकि हमने एवरेज मालूम करना है, तो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 और 5 जरब करेगा 20 हो जाएगा, ठीक है ये 20 आ जाएगा, और यहां पर से 4 और 6 हो जाएगा 10 और 3 13, अब 13 को उस साइड पर ले चलो तो 20 − 13 = 7, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। और आखिरी क्वेश्चन देखिए आज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।